सोचिए आप एक टाइम ट्रैवलर हो, यानी कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके बटन दबा के आप भविष्य में या अतीत में कभी भी जा सकते हो, तो आप दुनिया को किस मुश्किल से बचाते? ऐसी आज की कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रिया कोलिंस को देखते हैं, जो कि एक टाइम ट्रैवलर होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ के काफी बड़े ऑफिसर्स टाइम ट्रैवलर्स होते हैं। अब यहाँ पे एंड्रिया का काम होता है इंसानों के ऊपर आने वाले खतरे को टालना और उन्हें सुरक्षित रखना। अब एंड्रिया को उसके सीनियर से हिटलर के बारे में पता चलता है, जिसने लाखों लोगों को बेरहमी से मार दिया था और सभी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। इसलिए एंड्रिया टाइम ट्रैवल करने का फैसला करती है ताकि वो हिटलर को बचपन में ही मार सके। लेकिन एंड्रिया की टीम का एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि हमने कभी भी इतनी बड़ी चीज को बदला नहीं है, और अगर तुम अपना काम नहीं कर पाई तो तुम वापस नहीं आ सकती। लेकिन एंड्रिया लाखों लोगों को बचाने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अब प्लान के अनुसार एंड्रिया को घर का काम करने वाली बनकर उसके घर में जाना पड़ेगा, ये डिसाइड होता है। उसका प्लान होता है कि वो असली नौकरानी के आने के पहले यानी 48 घंटे के अंदर ही अपना पूरा मिशन करके वापस अपने समय में आ जाएगी, जिसके बाद एंड्रिया टाइम ट्रैवल करती है और ऑस्ट्रिया के एक गांव में जा पहुंचती है जहां पे हिटलर का जन्म हुआ था। लेकिन टाइम ट्रैवल करने की वजह से एंड्रिया को चक्कर आने लगते हैं, उसकी हालत पूरी खराब हो जाती है, और जैसे ही वो थोड़ी ठीक होती है वैसे ही एक भिखारी उसके पास आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। एंड्रिया को उसे देखकर बुरा लगता है और उसे वो कुछ सिक्के देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करती है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हुए उसका आईडी कार्ड मांगता है। वो काफी समझदारी से कुछ बहाना बनाती है और पुलिस उसे जाने देता है, और कुछ देर में ही वो एडोल्फ हिटलर के घर आ पहुंचती है, जहां पे एंड्रिया बेबी हिटलर के पिता यानी एलोइस हिटलर से मिलती है, जो कि सख्त नियम वाले होते हैं। वो एंड्रिया से पूछते हैं कि तुम दो दिन के बाद आने वाली थी तो पहले ही क्यों आ गई हो, जिस पर एंड्रिया बताती है कि उसका पहले वाला काम जल्दी खत्म हुआ और उसे पैसों की भी जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पे जल्दी आ गई। जिसके बाद अलोइस एंड्रिया को घर के सारे काम समझाते हैं। लेकिन एंड्रिया बेबी हिटलर की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन वो काम उसे सौंपा नहीं जाता। अब इसके कारण उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता, इसीलिए वो एलोइस से हिटलर की देखभाल करने की जिम्मेदारी मांगती है। तो वो उसे क्रिस्टीना से मिलवाते हैं, जो कि बेबी हिटलर की देखभाल किया करती थी। इसके बाद एलोइस एंड्रिया को बताते हैं कि अतीत में उनके तीन बच्चे मारे गए हैं। अडोल्फ सबसे छोटा बच्चा है और वो उसे काफी चाहते हैं। आगे वो बताते हैं कि उसके पहले बच्चे मरने की वजह उनकी पत्नी है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसीलिए एलोइस अब अपने बेटे की काफी फिकर करने लगते हैं। खैर, अब रात को एंड्रिया सबके सोने के बाद अपना तकिया लेकर नीचे जाती है ताकि वो बेबी हिटलर के रूम में जाए, लेकिन वो हिटलर के पास जाकर रुक जाती है क्योंकि वो अभी एक छोटा बच्चा था, मासूम था। लेकिन फिर वो उन लोगों के बारे में सोचती है जिन्हें हिटलर ने आगे चल के मारा था, इसलिए एंड्रिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पे हिटलर की माँ यानी क्लारा आ जाती है, और एंड्रिया को ऐसे देख उन्हें उसके ऊपर थोड़ा शक आ जाता है, इसलिए एंड्रिया उन्हें कह देती है कि वो बेबी हिटलर को देखने के लिए आई थी। और तभी हिटलर रोने लगता है और एंड्रिया उसे बड़े प्यार से उठाकर चुप कराती है। लेकिन एलोइस ने एंड्रिया को वार्निंग दी थी कि वो कभी भी हिटलर को ना छुए, लेकिन फिर भी एंड्रिया ने उसे उठा लिया था, जिसे क्लारा को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। अब दोनों बेबी हिटलर को सुलाकर वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए उन्हें एलोइस के रूम से कुछ आवाजें आती है, और यहां हमें पता चलता है कि एलोइस इस वक्त क्रिस्टीना के साथ होते हैं, और ये बात क्लारा को भी पता थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब अगली सुबह एलोइस एंड्रिया से पूछते हैं कि क्या शाम को वो उनके साथ लाइव परफॉर्मेंस देखने चल सकती है, जिस पर एंड्रिया बहाना बनाते हुए कहती है कि आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए वो क्रिस्टीना को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब क्रिस्टीना जाने से पहले एंड्रिया को एक वार्निंग देती है कि अगर बेबी हिटलर को कुछ भी हुआ तो उसे बहुत ही बुरी सजा मिलेगी, जिस पर एंड्रिया पूछती है कि क्या आप एलोइस के साथ इसीलिए क्योंकि आप उनसे डरते हो, तो क्रिस्टीना कहती है कि नहीं, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। और वो ये भी बताती है कि क्लारा भी कभी उनकी नौकरानी हुआ करती थी, और एलोइस ने पहले पत्नी के मरने के बाद क्लारा से शादी की थी। अब ये सुनने के बाद एंड्रिया काफी हैरान होती है। इसके बाद क्रिस्टीना और एलोइस लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, तो वही घर पर क्लारा बहुत ज्यादा काम करने की वजह से सो जाती है।
अब एंड्रिया के पास काफी अच्छा मौका था उसका मिशन पूरा करने के लिए, इसलिए वो जल्दी हिटलर के कमरे में जाती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उस मासूम बच्चे को वो मार नहीं पाती। उसे बहुत ही गिल्टी फील होने लगता है, उसे लग रहा था कि उसके हाथों पाप होने वाला है, इसीलिए वो चर्च में जाती है और कन्फेशन रूम में जाकर भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो बताती है। तो प्रीस्ट एंड्रिया से कहता है कि भविष्य को कोई भी नहीं बदल सकता, जो होना है वो होके रहेगा, तुम चाहे उस बच्चे को सजा दो या नहीं। लेकिन यहाँ पे एंड्रिया लाखों लोगों की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए वो हार नहीं मानती और वापस घर आती है और अडोल्फ हिटलर की माँ यानी क्लारा से कहती है कि वो हिटलर को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। लेकिन क्लारा को ये सही नहीं लगता, इसीलिए वो मना कर देती है। अब एंड्रिया परेशान है क्योंकि वो बच्चे को तो मार नहीं सकती थी, वही दूसरी जगह लाखों लोगों की जान भी बचाना जरूरी था। और इसी सोच में वो बाहर आती है और उसे एलोइस मिलता है जो एंड्रिया को डांटने लगता है और उसकी डांट सुनते हुए एंड्रिया को एक आइडिया निकल आता है। अब उसी रात को एलोइस हिटलर अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए थे और जब सभी उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तो अडोल्फ हिटलर बिल्कुल अकेला था, इसलिए एंड्रिया चुपके से हिटलर के कमरे में घुसकर उसे उठा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। और तभी एलोइस क्रिस्टीना को हिटलर को उसके पास लाने के लिए कहते हैं और जब क्रिस्टीना हिटलर को लेने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बच्चा नहीं है, जिससे वो काफी डर जाती है। और तभी बाहर वो दूर पे एंड्रिया को देखती है जिसके हाथ में बच्चा था, इसीलिए वो भागकर उसके पास जाती है। लेकिन एंड्रिया दूर एक ब्रिज के पास खड़ी थी। एक पल के लिए वो दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर एंड्रिया अडोल्फ हिटलर के साथ नदी में कूद जाती है, जिसे देखकर क्रिस्टीना पूरी तरीके से पागल होने लगती है क्योंकि अगर एलोइस को इसके बारे में पता चला तो पूरी सजा क्रिस्टीना को ही मिलेगी। क्रिस्टीना बहुत ही डरी हुई थी, तभी उसे वहाँ पे एक औरत दिखाई देती है जो अपने बच्चे को बेचना चाहती थी और क्रिस्टीना उसे खरीद लेती है और उसे अडोल्फ हिटलर के कपड़े पहनाकर एलोइस के पास लेकर जाती है। सभी उस बच्चे को देखते हैं लेकिन एलोइस को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन लोगों के बीच में होने के कारण वो कुछ कहता नहीं है और बाद में इस मैटर को देखने का सोचता है। तो वही हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे एंड्रिया का कलीग हमारे सामने आता है और एंड्रिया को ट्रिब्यूट देते हुए उसकी बहादुरी के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। लेकिन साथ ही में वो ये भी बताता है कि एंड्रिया के अतीत में जाने के कारण भविष्य में कोई भी बदलाव नहीं आया है, आगे चलकर हिटलर ने काफी लोगों की जान ली थी और सब कुछ वैसे ही चला था जैसे पहले था। और यहाँ पे हमें प्लॉट समझ आता है कि एंड्रिया के अतीत में जाने के कारण ही ये सारे इवेंट्स हुए हैं। दरअसल क्रिस्टीना जिस बच्चे को उस गरीब औरत से लेकर आई थी वही आगे चलकर जर्मनी के नाजी सेना का लीडर बनता है, यानी वही अडोल्फ हिटलर था। और अगर शायद एंड्रिया अतीत में नहीं जाती और उन इवेंट्स को अगर नहीं बदलती तो शायद हिटलर की सेना भी आगे नहीं बनती और इतने सारे लोग बच जाते, यानी उसके इंटरफेरेंस के कारण ही ये सारी घटनाएं घटी है। और चाहे वो कुछ भी करे अतीत को नहीं बदल सकती थी। और यही पे ये कहानी खत्म होती है। सीरीज का नाम है ट्वाइलाइट जोन जो 2002 में रिलीज हुई थी और ये इसका 5th एपिसोड था क्रेडल ऑफ डार्कनेस, जिसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग है। बाय बाय।